हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रियलमी सी वन का नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे दोस्तों। इसमें हम लोगों का रियलमी सी वन एंड ओप्पो A3s दोनों सेम ही होता है दोस्तों। इसका डिस्प्ले, बैटरी या नेटवर्क आईसी दोनों सेम होता है दोस्तों। ओप्पो A3s एंड रियलमी सी वन का अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम करता है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। इस प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हम लोगों का सिम लगा हुआ है फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा। इसमें इमरजेंसी कॉल आपका बता रहा है। इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सेट को खोल लेना है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को सेट को पूरी तरह से खोलना है। उसके बाद दोस्तों आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। अगर आपका भी नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में नेटवर्क प्रॉब्लम बताता है रियलमी सी वन एंड ओप्पो A3s का, तो आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये रियलमी सी वन है लेकिन फिर भी इसका बैटरी जो रहता है वो ओप्पो का ही लगा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम लोगों को खोल लेना है। उसके बाद हम लोगों को चेक करना है इसका जो नेटवर्क आईसी से, इसका नेटवर्क आईसी चेक कर लेना है हम लोग का नेटवर्क आईसी सही है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट फॉरगेट करके इसको हटा देते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको दिखाते हैं दोस्तों कि हम लोग का नेटवर्क जो नहीं आ रहा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम कहाँ से कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों का नेटवर्क जो प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों। ये सेट पहले ही कहीं बनने दिया हुआ था, तो उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का सोल्डिंग किया हुआ है, तो हो सकता है इसके कारण भी हम लोगों का नेटवर्क नहीं आ रहा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग सोल्डिंग किया हुआ है। इसको पहले सबसे पहले इसको हटा लेना है। हटाने के बाद इसको चेक करेंगे कि हम लोगों का नेटवर्क आईसी काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों मल्टीमीटर लाना है। मल्टीमीटर ला के इसको चेक करना है नेटवर्क आईसी को कि नेटवर्क आईसी हम लोगों का काम सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे मल्टीमीटर लाते हैं। मल्टीमीटर लाने के बाद आपको यहाँ पर हम लोगों को चेक करना है कि हम लोगों का नेटवर्क आईसी सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों को देख सकते हैं यहाँ माइनस को आपको ग्राउंड में रखना है और प्लस से आपको टच करना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ग्राउंड में रखने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हम लोगों का माइनस वर्क कर रहा है और प्लस भी वर्क कर रहा है। मतलब हम लोगों का नेटवर्क आईसी जो है पूरी तरह से ठीक है, फिर भी हम लोगों का नेटवर्क नहीं आ रहा है। नो सर्विस या इमरजेंसी कॉल अब यहाँ पर हम लोगों का शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का पूरी तरह से शो कर रहा है हम लोगों का नेटवर्क आईसी बिल्कुल ही सही है, फिर भी हम लोगों का नेटवर्क नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों का नेटवर्क का जो वायर है वो वायर हम लोग चेक करेंगे कि जो हम लोग का नेटवर्क वायर सही है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों का सोल्डिंग किया हुआ है, तो इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इसको हम लोग चेक करेंगे प्लस और माइनस दोनों को टच करके कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों का देख सकते हैं दोस्तों, आपको दोनों को पूरी तरह से साफ कर लेना है, अलग करना है दोनों को, प्लस और माइनस को। उसके बाद आपको चेक करना है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का वर्क नहीं कर रहा है, माइनस भी प्लस दोनों हम लोगों का वर्क नहीं कर रहा है। इसके कारण हो सकता है हम लोगों का नेटवर्क नहीं आ रहा है। फिर से दोबारा हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। कभी कभी हम लोगों का पूरी तरह से साफ नहीं करने के कारण भी हम लोगों का वर्क नहीं करता है। तो साफ करने के बाद भी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। तो उसके बाद भी दोस्तों हम लोगों को वर्क नहीं कर रहा, तो हम लोगों को जो चार्जिंग बोर्ड रहता है उस बोर्ड से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो बोर्ड को हम लोगों को खोल लेना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को बोर्ड को खोलते हैं। बोर्ड को खोल लेना है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों फिर से एक बार हम लोगों को चेक कर लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर वर्क करना पूरी तरह से साफ जैसे किए तो यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको वर्क कर रहा है फिर भी हम लोगों का नेटवर्क नहीं आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों का जो माइनस है वो ग्राउंड के बाद भी, ग्राउंड में लगाने के बाद वर्क कर रहा है। प्लस भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, प्लस का जो प्रॉब्लम होता है कि कभी प्लस में नहीं आता है, कभी छोड़ देता है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग का जो प्लस है वो भी वर्क कर रहा है कि नहीं। वायर में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं कि वर्क में कभी कभी हम लोग का जो कहीं कहीं लीकेज हो जाता है, उसके कारण हम लोग का वर्क नहीं करता है।
तो प्लस को यहाँ पर हम लोगों को लगा ग्राउंड में, माइनस में लगाने के बाद आपको ग्राउंड में टच करना था। देख सकते हम लोग का जो प्लस पॉइंट है वो भी वर्क नहीं कर रहा है, हम लोग का जो प्लस पॉइंट है वो शायद ख़राब हो चुका है, इसके कारण हम लोग को वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चार्जिंग बोर्ड खोलते हैं। चार्जिंग बोर्ड खोलते हैं दोस्तों, आप भी चार्जिंग बोर्ड अगर आपका अभी वर्क नहीं कर रहा प्लास्ट हो तो आपका भी चार्जिंग बोर्ड आपको खोल के एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ से हम लोग का जो चार्जिंग बोर्ड है वहाँ से हम लोग का प्लास्ट वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ से भी वर्क नहीं कर रहा दोस्तों तो हो सकता है यहाँ कि हम लोग का जो माइनस पॉइंट है वो वर्क नहीं करता होगा, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। फिर से हम लोग को मल्टीमीटर लाना है और इसके बाद हम लोग को माइनस ग्राउंड में रखना है, उसके बाद चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम के कारण हम लोगों का वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों माइनस को हम लोगों को ग्राउंड में रखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का वर्क कर रहा है, यहाँ पर हम लोगों का वर्क कर रहा है दोस्तों, लेकिन जो हम लोगों का प्लस है वो वर्क नहीं कर रहा है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ प्लस 100% वर्क नहीं कर रहा, लेकिन माइनस जो ग्राउंड है वो वर्क कर रहा है, लेकिन हम लोगों का जो प्लस है वो वर्क नहीं कर रहा। लेकिन हो सकता है कभी कभी वायर में कि वायर का भी प्रॉब्लम नहीं होता, तो वायर को हम लोगों को दोनों को टच कर लेना, शॉर्ट करना है वायर को, और उसके बाद हम लोगों को जो पीछे का साइड है उसको भी हम लोग को टच करके एक बार चेक करना है कि वर्क सही है कि नहीं। वायर अगर सही रहेगा तो दोस्तों देख लेते हैं वर्क, वायर भी सही है दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग का जो नेटवर्क वायर रहता है वो भी हम लोग का सही है, फिर भी हम लोग का नेटवर्क शो नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों फिर से हम लोग इसको पूरी तरह से सेट करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से सोल्डिंग करके एक बार चेक करेंगे कि हम लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। कभी कभी दोस्तों जहाँ पर पहले बनने दिया गया था वहाँ पर जो वायर था वो दोनों एक ही जगह शॉर्ट कर दिया था, इसके कारण भी हो सकता है हम लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम जो रहता है वो कभी कभी शो नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों फिर से हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको साफ़ कर लेना है, हल्का हल्का पेस्ट देना है दोनों वायर में, देख सकते हैं पूरी तरह से वायर को साफ़ कर लेना है। और जो आपका दोस्तों ये देख सकते हैं अंदर तरह अंदर साइड में है वो प्लस है, तो अंदर साइड में जो दोस्तों यहाँ पर है देख रहे हैं दोस्तों वायर अंदर साइड वाला में हम लोगों को प्लस में टच करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं अंदर वाला जो रहता है वो 100% आपका प्लस है, वहाँ पर आपको टच करना है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों का जो ब्लैक है जो हम लोगों का ग्राउंड है वो आपको, अब वो ग्राउंड आप कहीं भी दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर भी है यहीं पर हम लोग दे दे रहे हैं इसका ग्राउंड। ग्राउंड आप कहीं भी दे सकते हैं, ग्राउंड से आपका कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों, लेकिन माइनस से आपका माइनस में अगर आपका ग्राउंड आप कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन प्लस आपका जहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों वहीं पर आपको दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग ग्राउंड को आपको जहाँ नेटवर्क आया है नेटवर्क का जो वायर लगता है वहीं पर हम लोग ग्राउंड दे चुके हैं, और आपका जो प्लस है वो हम लोगों को थोड़ा साइड में दे चुके हैं। उसके बाद चेक करते हैं दोस्तों हम लोगों का नेटवर्क फिर शो कर रहा है कि नहीं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को चेक करते हैं। तो सिम लगाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं इसमें हम लोगों का है नेटवर्क तो पूरी तरह से अभी भी तक नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम लोग सिमें सपोर्ट नहीं किया दोस्तों अभी तक हम लोगों का यहाँ पर सिम अभी तक तो सपोर्ट ही नहीं किया दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको एक बार फ्लाई मोड कर लेते हैं, एरोप्लेन मोड में हम लोगों को इसको डाल देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि हम लोगों का जो सिम वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फिर अभी भी हम लोगों का सिम वर्क नहीं कर रहा, तो फिर से एक बार आपको सिम कार्ड को निकाल के फिर से दोबारा लगाना है। तो चलिए दोस्तों फिर से हम लोग सिम कार्ड को निकाल देते हैं, निकालने के बाद फिर से दोबारा हम लोग सिम कार्ड को लगाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं दोस्तों हम लोगों का नेटवर्क जो आ रहा है वो अभी आ रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा लगाने के बाद क्या प्रॉब्लम बता रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का नेटवर्क पूरी तरह से शो करने लगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का जो नेटवर्क प्रॉब्लम था वो 100% सॉल्व हो चुका है। देख सकते हैं आपको सेटिंग में भी जाके दिखा दे रहे दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का नेटवर्क शो कर रहा है 100% नेटवर्क प्रॉब्लम जो सॉल्व था वो सॉल्व हो चुका है। अगर आपका भी नेटवर्क प्रॉब्लम रियलमी C1 एंड ओप्पो A3S का अगर आपका भी मोबाइल रहता है और आपका भी सिम नेटवर्क अगर प्रॉब्लम नहीं आता है नेटवर्क नहीं आता, तो इस प्रॉब्लम को आप बड़ी आसानी से घर बैठे ठीक कर सकते हैं। सिंपल तरीके से दोस्तों आपको दोनों वायर को शॉर्ट नहीं करना है, आपको अलग अलग जोड़ देना है।